रुद्रपुर में हाइड्रा की टक्कर से एक महिला कांस्टेबल बुरी तरह घायल हो गई, जिससे पुलिसकर्मियों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हेड कांस्टेबल कांता अग्रवाल इंदिरा चौराहे पर ड्यूटी दे रही थी, तभी एक हाइड्रा ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना के बाद हाइड्रा चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इंदिरा चौक पे चेकिंग के दौरान ये ट्रैफिक कांस्टेबल वहाँ तैनात थी, ट्रैफिक हेड कांस्टेबल, जिनका नाम कांता अग्रवाल है और उम्र करीब 36 वर्ष है। तो जब ये ट्रैफिक की ड्यूटी में कार्यरत थी, तभी एक हाइड्रा व्हीकल ने इनके पैर के ऊपर अपना टायर चढ़ा के गाड़ी चढ़ा दी, जिनसे इनके पैर पर काफ़ी चोट आई थी। इनको तत्काल ही हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा हॉस्पिटल या नारायणा लाया गया, जहाँ इनका प्राथमिक उपचार किया गया है। अभी इनका ऑपरेशन पूरा हो चुका है और कुछ दिनों तक इनको ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा जाएगा, ताकि अगर कोई और समस्या आती है तो उसका समाधान हो सके। देखिए, जो व्हीकल है उसे सीज कर लिया गया है, बाकी जो मौके पर चालक था वो मौके से ही फरार हो चुका है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको शीघ्र से शीघ्र पकड़ लें और उचित कार्रवाई की जाए।